नमस्कार दोस्तों, मैं विनय मंडारी। दोस्तों, इंडिया मार्ट में हमने क्या करा, शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाया। मोस्टली ज्यादातर हम स्ट्रैडल बनाते हैं, लेकिन इंडिया मार्ट में हमने क्या करा, स्ट्रैंगल बनाया। स्ट्रैंगल क्या बनाया, 3000 का कॉल हमने सेल करा 52 के प्रीमियम के आसपास, बिल्कुल लास्ट में जाते जाते सेल करा है। और पुट जो सेल करा वो 2800 का सेल करा, जिसका प्रीमियम 29 point something, मतलब 30 के आसपास ले लीजिए आप। तो दोनों बेचने के बाद, दोनों कॉल और पुट बेचने के बाद हमारी जो रेंज बनी है वो डाउन साइड रेंज बनी है 2718 तक नीचे आएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया मार्ट। और अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो 3082 अपसाइड का, तो 2718 से 3082 के बीच में इंडिया मार्ट रहेगा तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। और इसका भी प्रॉफिट हमें दो दिन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, हो सकता है कल ही हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाए, वरना मंडे हमें अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाएगा प्रॉफिट। तो आप अगर सीखना चाहते हैं कि भाई ये स्ट्रेटजी हम बनाते हैं किस बेसिस पर बनाते हैं, क्या देखते हैं, किस बेसिस पर हम स्ट्रैंगल बना रहे हैं, स्ट्रैडल बना रहे हैं, आरएन फ्लाई, आरएन कॉन्डोर, ये सब जितनी भी स्ट्रेटजी किस बेसिस पर, किस चीज का हमें ध्यान रखना होता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत ईजी है, देखिए बाजार से पैसा कमाना बहुत ईजी है, सिंपल। आपको कुछ चीजें समझनी होती है बस, अगर आप वो थोड़ी सी चीजें समझते हैं तो इजीली आप बाजार से पैसा बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट सामने आपके दिख रहा है, वहां पर आपको रेंज पता चल रही है, क्या रेंज बनी है इंडिया मार्ट में, तो आप देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझिएगा कि क्या हमने ट्रेड बनाया। समझने की, सीखने की कोशिश करिए, जब बिना सीखे काम करेंगे तो हमेशा नुकसान होगा, ये बात ध्यान रखें। आप कुछ भी कर लो ऑप्शन, आपको हमेशा नुकसान होगा, बिना सीखे करने पर नुकसान ही होगा। बाय करके तो बिल्कुल नहीं करना है, बाय करके काम करने का मतलब है कि आप आग में हाथ डाल रहे हो, वहां पर तो क्या आपका 95-98% नुकसान होना ही है। बाय करके काम करें, बाय करके काम करने के लिए बहुत तेजी से डिसीजन लेना होता है, आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सेलिंग के लिए बहुत ज्यादा साइकोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप हेजिंग जानते हैं, प्रॉपर तरीके से काम करना जानते हैं, तो बहुत ज्यादा माइंडसेट, बहुत ज्यादा साइकोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ चीजें थोड़े से टर्म्स समझने होते हैं, उसके बेसिस पे काम करते हैं तो पैसा आसानी से बनाया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।